हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइनर ड्रेस बनाएंगे। पूरा सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। मिसलिन फैब्रिक मैंने लिया है, उसके साथ सलवार की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो भी है पूरा, और कुर्ती का पूरा कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे बीच में फास्ट भी करना पड़ता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी ड्रेस मैंने ये रेडी की है, और दुपट्टा भी मैंने इसके साथ जो है कोटा डोरिया का डाई करवाया है, लेकिन अभी इस पर मैंने लेस वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन मैंने आपको डाल के दिखा दिया। सूट मैंने रेडी कर लिया है, दुपट्टे पे हल्की सी डिज़ाइनिंग करूँगी, सिर्फ लेस लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो फिटिंग जो है प्रॉपर तरीके से आती है। जिस सूट की भी मैं आपको कटिंग स्टिचिंग बताऊँगी, अगर आप उस तरीके से कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, तो आपका सूट कभी भी ख़राब नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी, क्योंकि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले तो ये फैब्रिक है जो कि मसलिन कॉटन फैब्रिक है, ये देखिए टाइगर वाला, जैसे टाइगर बना हुआ है ऊपर, ये देखिए बहुत प्यारा इसका कलर है, लाइट सा, और इसके साथ इसीलिए मैंने डार्क कलर की लेस डाई करवाई है, और दुपट्टा भी मैंने डार्क कलर का रखा है। तो देखो कितना प्यारा प्रिंट है ना इसका, बहुत ही प्यारा प्रिंट है, और ये मसलिन फैब्रिक है, कॉटन, मसलिन कॉटन जो होती है काफ़ी बढ़िया रहती है गर्मियों के लिए, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये। तो ये मैंने लेस इसके साथ जो है डाई करवाई है, वाइट लेस लेकर मैंने डाई करवा ली है, और लेस मैं डाई खुद भी करती हूँ, लेकिन ये वाला कलर मेरे पास नहीं था, तो मैंने मार्केट से डाई करवा ली। दुपट्टा भी डाई करवा लिया है, जो कि कोटा डोरिया जो होता है ना, वो वाला दुपट्टा है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। ये देखिए ऐसा होता है, इसलिए बीच बीच में चेक होता है, अगर आपको नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ कि कोटा डोरिया इसको बोलते हैं दुपट्टे को। तो ये लेस के साथ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करके हम बहुत ही प्यारा सा साइड से ओपन कुर्ती मैं बनाऊँगी, आगे चुन्नट डालकर, और ये देखिए। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है 3 मीटर है, लेकिन इसका जो अर्ज है वो 60 इंच है, 1.5 मीटर अर्ज का ये कपड़ा है। सबसे पहले हमने उल्टी साइड पे निशान लगा लेने हैं, ताकि हमें उल्टे और सीधे का पता चल जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है उल्टे और सीधे में। तो आप देखिए मैंने चौड़ाई में डबल कर लिया है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना 60 इंच है। अब मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमने अपर पार्ट की कटिंग करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। अपर पार्ट की कटिंग मैं 15 इंच ले रही हूँ, अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो आप 16 इंच भी ले सकते हो, 15 इंच मैंने लिया है। अब देखो ऊपर से हमने चौड़ाई कैसे लेनी है इसकी, कितना कपड़ा हमने लेना है, जितना आपका बस्ट का नाप है, बस्ट का नाप है, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है, और जितना भी आ रहा है उतना फैब्रिक आपने ले लेना है। मुझे 11 इंच चाहिए, तो मैंने 11 इंच कट कर लिया है। अब इसका तीरा हम रखेंगे, 14 है मेरा तीरा, तो मैं 7 इंच रखूँगी। ये देखिए आर्म होल भी मैंने 7 इंच रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ से लगाएंगे बस्ट का चौथा प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। अब ये देखिए कमर का चौथा प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए मैंने लगा लिया। अब ऊपर से हमने सीधा नहीं मिलाना, थोड़ा सा तिरछा बाद में करेंगे। अब यहाँ से जो गुलाई लगानी है ना हमने, ये हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, तो 1.5 इंच पे निशान लगाकर, और ऊपर से ये देखिए हमने गुलाई लगा ली है। अब फ्रंट वाली साइड को 1 इंच बैक करके फ्रंट वाली साइड की भी गुलाई लगा लेंगे, और जितना भी आपने गला रखना है निशान लगा लीजिए, और तीरे को 1/2 इंच डाउन कर दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट वाली कटिंग अभी नहीं करेंगे, जो फ्रंट वाली हमने निशान लगाया था ना, तो ये अपर पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब नीचे वाला पार्ट स्कर्ट एरिया हम कट करेंगे, तो इसके लिए ये कपड़ा जो है ना डबल करके फोल्ड करके ही मेरा पूरा आ जाएगा, इतना ही घेरा मैं इसका रखूँगी। तो लंबाई आपने जितनी रखनी है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, और ऊपर वाला जो हमने अपर पार्ट की कटिंग की है ना उसको माइनस कर लीजिए, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए। ऐसे भी आप नाप ले सकते हैं, ये देखिए ऐसे नाप लेकर, और 2 इंच नीचे मार्जिन के लिए रख लो, और 2 पीस आगे वाला और पीछे वाला हम कट कर लेंगे। मुझे 43 चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं ऊपर वाला माइनस कर लूँगी, और नीचे 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लूँगी। तो
तो ये हमने आगे वाला और पीछे वाला दोनों पीस जो हैं कट कर लिए हैं, क्योंकि ये चौड़ाई में ही पूरा आ गया। इसका अर्ज जो है 60 इंच है, तो चौड़ाई में ही मेरा ये दोनों पीस निकल गए। ये देखिए ऐसे चुन्नट डालकर इसको मैं रेडी करूँगी। अब हमने सलवार की कटिंग करनी है, तो सलवार आपको जितनी भी चाहिए 4 फोल्ड करके मैं कटिंग कर लेती हूँ। 2 लंबाई मुझे चाहिए। बेल्ट का जितनी भी हमारी बेल्ट है उसको हम ऊपर से माइनस कर लेंगे। 7 इंच की मैं बेल्ट डालूँगी, तो 7 इंच मैं ऊपर से माइनस कर लूँगी, और 2 इंच हमने और माइनस रखना है नीचे से, क्योंकि हमने जो नीचे पोंचा लगाना है ना एक्स्ट्रा, इस पर लगाएंगे बुकरम डाल के, तो 2 इंच नीचे से भी हमने काम लेना है। तो अभी मेरा तो ये 28 इंच आ रहा है, तो 2 पीस मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं, क्यों चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है तो हम पूरी चौड़ाई नहीं रखेंगे। तो पूरा बराबर करके मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितनी चौड़ाई रखूँगी। ये देखिए पूरा कपड़े को फैलाकर और ऐसे फोल्ड करके मैंने ये 22 इंच जो है निकाल लिया है। फोल्ड करके 22 इंच कपड़ा मैंने चौड़ाई में निकाल लिया है। और लंबाई जो आपने लेनी है आपको मैंने बता दिया, बेल्ट को माइनस कर लीजिए ऊपर से। तो मैं इसका पोंचा नीचे से 13 इंच रखूँगी, लेकिन ऊपर से जो है मैंने 9 इंच रखा है और 7 इंच का इसका बेल्ट डालूंगी। अब हल्की सी गुलाई देते हुए हमने इसको मिला लेना है। नीचे से जो है मैंने 13 इंच रखा है, पोंचे वाली साइड से 13 इंच रखा है। ये देखिए यहाँ से 13 इंच रखा है, और ऐसे इसकी चुन्नट डालकर ऊपर भी सिंपल तरीके से जैसे हम सलवार को जोड़ते हैं ना, ऊपर से वैसे ही हमने पूरा इसको जोड़ना है। तो बेल्ट भी मैंने कट कर ली है, बेल्ट की लंबाई चौड़ाई जो है 7 इंच रखी है, और गुलाई में मैंने इसको 23 इंच रखा है। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट वाले साइड की कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, तो लेस लगाने के लिए प्रेस के साथ ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं, 1 सेंटर में और 2 साइड में। तो पतला कपड़ा है ना, तो मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, इसके नीचे मैं अंडरशर्ट ही डालूंगी, तो इसीलिए मैंने प्रेस के साथ ये देखो दोनों साइड पर लेस लगा लूँगी पहले दोनों साइड पर, और एक जो है मैं सेंटर में लगाऊँगी 2। तो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ ऊपर से 4 इंच मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर से गला कट होगा तो लेस हमारे ऊपर से वेस्ट हो जाएगी, तो हम ऊपर तक नहीं लगाएंगे। तो 2 देखो मैं ऐसे लगा लूँगी। अब इसका गला रेडी कर लूँगी। पहले मैं चुन्नट डाल के अपर पार्ट को जो है नीचे हमारा स्कर्ट वाला एरिया है उसको हम चुन्नट डाल के, तो मैं बड़ा टांका करके यहाँ पर चुन्नट डाल लूँगी। आप चाहो तो हाथ से भी चुन्नट डाल सकते हो। ये देखिए ऐसे करके छोटे छोटे प्लीट्स डालकर आप इसको रेडी कर सकते हो। आप इस तरह से भी प्लीट्स डाल सकते हो, मैं 2 तरीके से बताऊंगी आपको। ये देखो ऐसे भी आप प्लीट डाल सकते हो। एक तरीका है बड़ा टांका आप कर लीजिए, और बड़ा टांका लगाकर पूरा इसको सिलाई लगाकर फिर धागे को खींच कर भी हम ये देखो चुन्नट डाल लेंगे, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा घेरा नहीं रखा है, इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो ये 3 मीटर था ना पूरा, तो इसमें मेरा पूरा सूट आसानी से बन गया। तो घेरा मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, कई बार होता है ना हम ज़्यादा चुन्नट डाल के ज़्यादा घेरा बनाते हैं, लेकिन इसका मैंने घेरा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अब ये देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम ये देखो चुन्नट हमने डाल लिए हैं, अब इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक वाला पार्ट भी मैं रेडी कर लेती हूँ, और इसका गला फिर हम बना लेंगे। गोल गला मैं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स गले का बहुत ज़्यादा पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो गला देख लो मैंने अटैच कर लिया है, जितना भी आपको डीप और ब्रॉड चाहिए आप गला बना लीजिए। अब बैक वाला गला भी मैं कट कर लेती हूँ, जितना भी डीप और ब्रॉड चाहिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैं गला बहुत छोटा डालती हूँ, तो मैंने 2.5 या 3 इंच ही गला मैं बनाती हूँ। अब देखिए तीरा हमने कैसे जोड़ना है। ये देखो तीरा जो जोड़ना है हमने, बैक वाला जो पट्टी लगाई है ना उसको अपनी साइड को करते हुए एक बार फिर से देख लीजिए, मैं कई बार मैं वीडियो में बताती हूँ। अगर इस तरीके से आप तीरा जोड़ोगे तो आपके तीरे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी।
और कभी भी आपका जो तीरा है ना इधर उधर को नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना फिनिशिंग के साथ आता है, यहाँ से कोई भी धागा वगैरह आपका गले से यहाँ से बाहर को नहीं आएगा। तो दोनों साइड से पहले मैं तीरा जोड़ लेती हूँ। तीरा मैंने जोड़ लिया है और फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब घेरे को हमने फोल्ड कर लेना है, तो घेरे को मैंने फोल्ड कर लिया है आगे वाले पीछे वाली साइड से और चाक वाली साइड से। अब देखो मैं यहाँ पे ना लेस लगाऊंगी, यहाँ से लगाते हुए पूरे नीचे घेरे में भी लगा दूंगी। तो हल्का सा मैंने आधा इंच, ये देखो थोड़ा साइड करके लगाई है, यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए पूरा आगे वाले और पीछे वाले साइड पे मैं लगा लूँगी। अब हमने इसकी बाजू जोड़नी है पूरा, ये देखो स्लिट में मैंने लेस लगा ली है और घेरे पे भी लेस लगा ली है। तो फ्रेंड्स अगर मैं सारा वीडियो बनाऊँ ना तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और दिक्कत हो जाती है, मेरे फ़ोन में ना वीडियो ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं होता तो पूरा, क्योंकि सूट की पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया है, सलवार की कटिंग भी और कुर्ती की कटिंग भी। तो बाजू पे भी चुन्नट डालकर मैं पट्टी लगा लूँगी, ये देखिए बड़ा टांका करके मैंने बारीक बारीक से चुन्नट डाल लिए हैं। और यहाँ पे भी आप जैसे कफ होता है ना वैसे ही मैं इस पर लगा दूँगी। 3 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है, उल्टी साइड से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी और सीधी साइड को टर्न करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए ऊपर से ऐसे फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर भी मैं लेस लगा दूंगी, एक लाइन ऊपर से यहाँ से भी लेस के लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई भी कटिंग और स्टिचिंग सूट से रिलेटेड कोई भी आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऊपर से मैंने लेस लगा दी है, अब फिटिंग वाली सिलाई लगा कर बाजू को अटैच कर लूँगी। आगे वाली कटिंग मैंने बाजू की कर ली है, ये देखिए अब ऐसे जोड़ते हुए बाजू को सीधा कर लेंगे और जो ये आर्म होल के बीच में डालते हुए हमने बाजू को अटैच कर लेना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है सिलाई के साथ सिलाई नहीं जोड़नी है, इससे फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो मैंने कुर्ती का जो है पूरा, ये देखो कुर्ती हमने रेडी कर ली है। अब सलवार की हम स्टिचिंग सीखेंगे। तो सलवार तो सिंपल तरीके से जैसे हम सिंपल सलवार बनाते हैं, पहले हमने दोनों पीस लेने हैं, उठाने हैं और दोनों साइड से हमने आसन को जोड़ लेना है, इस साइड से भी आसन को जोड़ के और दूसरी साइड से भी। तो दोनों साइड से पहले हमने आसन को जोड़ना है। अब मैं बेल्ट रेडी कर लूँगी तो दोनों साइड से बेल्ट को भी जोड़ लूँगी। बेल्ट को ऊपर से मैंने अभी इलास्टिक नहीं डाला। अब ये देखो सलवार के बैक साइड पर ना हमने ये देखो यहाँ पर एक बॉक्स प्लेट डालना है। तो अगर आप ऐसे सलवार बैक वाली साइड पे सलवार पे बॉक्स प्लेट डाल लोगे तो आपकी सलवार को बीच में जो ये सिलाई होती है ना इसमें खिंचाव नहीं आएगा और बिल्कुल भी आपका कपड़ा यहाँ से ख़राब नहीं होगा। अब फ्रंट वाली साइड से ये देखो जो बेल्ट है ना वहाँ से हमने 9 इंच पे एक निशान लगाना है डबल करके, क्योंकि यहाँ तक ही हमने चुन्नट डालनी है 9 इंच तक, सेंटर से लेकर 9 इंच तक। अब ये बैक साइड है तो देखो बेल्ट को हमने बैक के साथ रखना है, ये जो हमने बॉक्स प्लेट डाला है ये बैक वाली सिलाई यहाँ से लेते हुए जहाँ पे हमने कट लगाया है ना वहाँ तक लेकर जाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी। ये देखो अब जो बीच वाला ये कपड़ा बचा है ना ये देखो अब सेंटर के साथ आगे वाला जो आसन है आगे वाली सिलाई जो है ना बेल्ट वाली ये देखो यहाँ पे जोड़ लूँगी और बीच में जो कपड़ा बचा उसमें हमने चुन्नट डालनी है। ये देखो एक बार दिखा देती हूँ आपको, अगर आप सीख रहे हो तो आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये देखो ये जो कपड़ा बचा है ना इसमें हमने चुन्नट डालनी है, ये देखो अंदर वाली साइड को चुन्नट डालेंगे जो अंदर वाली सिलाई है ना, ये देखो अब चुन्नट मैंने डाल ली है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड से भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी क्योंकि इसमें मैं नाड़ा नहीं डालूँगी, इलास्टिक डालूँगी। तो ऐसे फोल्ड करते हुए मैं बीच में इलास्टिक डाल लूँगी इसमें। अब देखिए पोंचा हमने कैसे बनाना है, नीचे वाली साइड से भी हमने बेल्ट हमने जोड़ ली है, इलास्टिक मैं इसमें बाद में डालूँगी। अब नीचे वाली साइड भी हमने चुन्नट डालने हैं, ये देखिए ऐसे चुन्नट डालते हुए हमने इसको दोनों पीस रेडी कर लेने हैं। तो चुन्नट डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बारीक बारीक से चुन्नट मैंने डाल लिए हैं ये देखिए। अब हमने पोंचा कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पोंचा जो है मैंने पेस्टिंग पेपर जो बुकरम जो है ना पेस्टिंग वाली चिपकाने वाली वो ली है, 2 इंच चौड़ी मैंने ली है। अब कपड़े पे मैं प्रेस के साथ इसको चिपका लूँगी,
थोड़ा थोड़ा नीचे रखते हुए, ये देखो ऐसे करके हमने बुकरम को कपड़े पे चिपका लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला है ना, मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, ये देखो, ताकि डबल आएगा तो बुकरम अंदर से दिखेगी नहीं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, अगर पतला कपड़ा हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए ताकि बुकरम अंदर से नज़र नहीं आए। अब उल्टी साइड से जोड़ना हम शुरू करेंगे, ये देखिए, और सीधी साइड को टर्न करने के लिए ना ये जो दबाव है ना मार्जर, इसको हम नीचे वाली साइड को रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, अब देखिए ये जो नीचे वाली साइड को कपड़ा है इसको हमने डबल फोल्ड करना है, ये देखो, ताकि हमारी बुकरम दिखे नहीं। ऊपर से सिलाई लगा दूँगी और यहाँ पे मैं लेस भी लगा दूँगी, लेस लगाकर और पोंछे की सिलाई लगाकर फिर मैंने आपको डाल के दिखा दिया था। लेकिन ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है और बहुत ही सुंदर ये सूट मेरा जो है बनके रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, बुटीक खोलना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टिचिंग से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।